नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आईसीसी टेस्ट रैंकिंग के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर। हमारे बाबर भैया कहीं नजर नहीं आ रहे। कहाँ गए बाबर भैया? टॉप टेन से बाहर। टॉप टेन से ही बाहर हो गए बाबर भाई। अबे भाई ऐसा ना करो यार, उस बंदे के साथ में ना जाने क्या क्या हो रहा है। इतनी खराब फॉर्म चल रही थी बंदे की कि उसे टॉप टेन से ही बाहर निकाल दिया आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में से। भाई ऐसा ना करो यार, हमारे इंडिया के प्लेयर भी है टॉप टेन के अंदर, वो भी तीन तीन एक नहीं। बताएंगे पूरी न्यूज, जब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए भाई, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो भाई हाल ही में अभी जो रूट ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, तो नंबर वन की कुर्सी तो उसी भाई की बनती है भाई। तो टेस्ट रैंकिंग में नंबर वन पे जो रूट आ गए हैं। हाँ, पर दूसरे नंबर की कुर्सी कोई नहीं हिला पाया। दूसरे नंबर पर है केन विलियमसन, न्यूजीलैंड के, जो मेरे फेवरेट है भाई। इंडिया में जितने भी प्लेयर है उनके बाद में जो मेरा कोई फेवरेट है तो वो केन विलियमसन है, और वो मेरा फेवरेट है। और दो नंबर पर अभी वो भाई बैठा है, और तीसरे नंबर पर भी न्यूजीलैंड का ही प्लेयर है डेरियल मिचल, ये भी बहुत बढ़िया प्लेयर है। तीसरे नंबर की कुर्सी इसने काबिज कर रखी है, लेकिन मेरा बाबर भाई कहीं नजर नहीं आ रहा। पहचान ओ पहचान भाई, पहचान कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ है भाई? टॉप टेन से बाहर है क्या? अभी देखते हैं उनका कौन सा पोजीशन है भाई का, पहचान का। तो चौथे नंबर पे है ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ, जो कि बहुत ही शानदार प्लेयर है भाई। जो रूट, विराट कोहली के बाद में अगर कोई अच्छा प्लेयर है तो वो स्टीव स्मिथ है, जो ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर है, और मुझे लगता है ये भी अगर सचिन पाजी के आंकड़ों के पास जा सकता है। तो चौथे नंबर पर फिलहाल ये है। पांचवें नंबर पर देखते शायद पहचान हो, पहचान नहीं है क्या? तो देखते पहचान कौन से नंबर पर है, लेकिन पांचवें नंबर की बात कर ही लेते हैं। तो पांचवें नंबर पर है इंग्लैंड के घातक बल्लेबाज हैरी क्रूक भाई, पांचवें नंबर पे है, पांचवी पोजीशन पे बैठे है। छह नंबर की बात कर ले शायद पहचान हो भाई। छह नंबर पर रोला है, विराट कोहली का धोला है, बहुत बुरी तरह से मारता है छह नंबर पे। और हाँ, ये नंबर वन पे भी इंडिया के प्लेयर हो सकते थे, लेकिन आपको पता है ये काफी दिनों से टेस्ट सीरीज खेल ही नहीं रहे, तो नंबर वन पे कैसे जाएंगे? पहचान को मुझे लगता है टॉप 20 से ही बाहर कर देंगे अगर टेस्ट मैच इंडिया के होने लग गए तो। सातवें नंबर पर है युवा प्लेयर इंडिया का यशस्वी जायसवाल, जो बहुत लोगों का फेवरेट है। आठवें नंबर पर तो भाई साहब क्या ही कहना, माय फेवरेट, ऑल इंडिया फेवरेट, किंग कोहली एट नंबर की पोजीशन पे। बट जैसे ही टेस्ट मैच खेलेंगे इनकी पोजीशन अप होती जाएगी मुझे लग रहा है। हाँ, पाकिस्तान वाले भाइयों के लिए खुशखबरी है, अभी मजा आएगा ना, तुम्हारा बाबर तो गया बाहर और अंदर आ गया रिजवान। तो टॉप टेन के अंदर मोहम्मद रिजवान आ गया, जो कि बनता भी अच्छा प्लेयर है भाई मोहम्मद रिजवान। एक शतक भी किया, दो 50 भी की बांग्लादेश के खिलाफ। तो इसकी जो पॉइंट है इंक्रीज हुए और टॉप टेन के अंदर आ गया बंदा, दसवें स्थान पर बैठा है। लेकिन भाई बाबर चला गया यार, बाबर का बड़ा दुख होता है यार, पायजान का दुख होता है यार। पायजान को यार नंबर टॉप 20 से बाहर मत कर देना भाई। देखो मिलते हैं और किसी वीडियो के अंदर। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।